हेलो नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। हाँ जी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना एक्सीलेंस कैसे बन गया है, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना दिया इसने। ये शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मल्लिका शेरावत, मनोज वाजपेयी, ये कहाँ से पढ़े ये लोग? हाँ जी, ये सारे दिल्ली से ही पढ़े, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी इतने बड़े बड़े ब्रांड कैसे बना देता है ये? हाँ जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बॉलीवुड स्टार तक सारे के सारे डीयू से ही पढ़े। कैसे, क्या करता है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी? आज इसके बारे में अपन संपूर्ण केस स्टडी देखेंगे। UEAP, यूनिक एक्सीलेंस एडमिशन प्रोसेस, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रांड बनाने का एक तरीका। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह मानना है कि किसी भी बच्चे के अगर 3 नंबर आ रहे हैं और अगर उसको 10 नंबर तक पहुंचाना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जिसके 7 नंबर आ रहे हैं, मैं अगर उसको पढ़ाना शुरू करूं तो उसको जल्दी में 10 नंबर तक पहुंचा सकता हूं। उसको याद भी ज्यादा रहेगा, मेहनत भी कम करानी पड़ेगी और ब्रांड भी जल्दी बनेगा। डीयू ने इसी के ऊपर काम किया। डीयू क्या करता है, जो जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, जो टॉपर है, जिनके 100 में से 100 आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को लेता है वो। हाल ही में एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, इसके आए 100 में से 100, इसके आए 200 में से 200। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रही 100 by 100, 99। ये क्या करता है, अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करता है, जिसको CUET बोलते हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 70-80 हजार सीटें हैं, यहां पे 5 लाख से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं एडमिशन के लिए। ये क्या करता है, टेस्ट कंडक्ट कराता है। जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसी को पढ़ाऊंगा मैं। हाँ जी, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसी को पढ़ाऊंगा। जो जिनके ज्यादा नंबर आते हैं वही इनके पास आते हैं और इनको ही वो पढ़ाता है। ये इनका सिंपल मेथोलॉजी है बच्चों को पढ़ाने का। उसके बाद में क्या होता है, जो एग्जाम होता है ना, उसके अंदर 15 लाख बच्चे ऑल ओवर द इंडिया से, हर सिटी से कंडक्ट कराते हैं। हर सिटी के अंदर उन्होंने क्या किया, जिस सिटी में बच्चा रह रहा है वहीं पे एग्जाम कंडक्ट करा रहे लोग। हाँ भाई, तू सीकर में रह रहा है, तू पटियाला में है, तू चंडीगढ़ में है, ठीक है, तेरा एग्जाम हम वहीं पे करा देंगे, तेरे शहर में ही करा देंगे। अगर तेरा नंबर अच्छा आ रहा है तो अपने कागज वगैरह उठा वहां से, आ जा मेरे पास दिल्ली। ऐसा करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक दफा किसी ने मजाक में कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर है वो ऐसे टीचर है, वो जो है खाना खाना भूल जाते हैं, वो शादी में जाना भूल जाते हैं, लेकिन वो बच्चों के मार्क्स और अटेंडेंस का भी नहीं बोलते। हाँ जी, वो जो है पकड़ देते, भाई इतने मार्क्स आए तेरे, इतने कम मार्क्स आए, घर वालों को रिपोर्ट भेज देता हूं मैं। हाँ जी, इतने परिपक्व टीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इतने मेच्योर टीचर है दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या करता है, वो प्रोफेसर जब हायर करता है वो बोलता है, तू बूढ़ा हो चुका है, तेरे बाल सफेद हो चुके हैं, कोई बात नहीं, तू आ जा हमारे पास। हाँ जी, उसको सेलेक्ट करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो अपने आप को प्रोफेसर बोलता नहीं, वो नहीं बोलता कि मैं टीचर हूं, वो बोलता है मैं स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रहा हूं। हाँ जी, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैं कोई परिपक्व नहीं हूं उसमें, मैं, मेरे को उसमें कुछ भी नहीं आता, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूं। हाँ जी, मैं इसकी पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, प्रोफेसर बोल रहा है ये। यहां पे चमनी चोर कॉलेज वाले, मैंने PhD कर ली, मैंने PDoc कर ली, मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है वो ऐसा नहीं बोलता, वो बोलता है मैं मेच्योर नहीं हूं, मैं जो है मैं इसका स्टूडेंट हूं, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं। बूढ़ा प्रोफेसर जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बच्चों को बोलता है कि मैं इस सब्जेक्ट का मैं स्टूडेंट हूं, उसको आता खूब है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रोफेसर नहीं बोलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने प्रोफेसर को सेलेक्ट करने के लिए क्या करता है, वो पहले एप्लीकेशन निकालता है, जिसको भी आना है आ जाए, फिर वो सेलेक्ट करता है कि तुम एलिजिबल हो, तुम आओ एग्जाम देने के लिए, उनसे फिर से एग्जाम लेता है, फिर एक बार उनका फिर से एग्जाम लेता है। ठीक है जी, हाँ जी, तुम्हारी ये डिग्री है, जो 10,000 एप्लीकेशन आते हैं उसको जो है 4,000 में कन्वर्ट कर देता है, 4,000 का फिर से एग्जाम लेता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर से उनको 1,000 में कन्वर्ट कर देता है, फिर से उनका एक एग्जाम लगाता है वो, फिर से उसको जो है 50 में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो है 50 का इंटरव्यू लेता है और सिर्फ 2 को सेलेक्ट करता है। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर सिलेक्शन करने का प्रोसेस। तो आखिरकार ऐसे बॉलीवुड स्टार निकलेंगे कि नहीं? हाँ जी, निकलेंगे कि नहीं? वीडियो को लाइक ठोको, तभी आगे बढ़ूंगा मैं।
कल्चर की अगर बात करें यहाँ पे, तो यार जो टेस्ट होता है ना वो इंडिया के हर शहरों से बच्चे आ रहे हैं। यहाँ से राजस्थान से भी आए हुए है, गुजरात से भी आए हुए है, हाँ जी केरला से, तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, पाजी आ रहा है। जो माहौल है वो थोड़ा ग्रिस्पी ग्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्पी माहौल रहता है, मिलजुल के सारे बच्चे रहते हैं। हॉस्टल के अंदर जो मैकेनिकल वाले झाटू लोग है वो एकदम सोए पड़े रहते हैं। स्टार्टअप वगैरह के थोड़ा थोड़ा जो माहौल कम ही रहता है, लेकिन आगे आगे रुझान बढ़ता जाता है। लास्ट ईयर तक उसके अंदर एकदम जोश जुनून भर जाता है। कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे ना फेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फेस्ट होते हैं और बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, बहुत सारे नाच गाने कूद वगैरह बहुत कुछ होता रहता है जी। हाँ जी हाँ जी, ठीक सुन रहे हैं तुम लोग। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आपको अगर कोई स्टार्टअप करना है तो आपके लिए इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे जो फेस्ट होते हैं ना वहाँ पे बच्चों को बहुत सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने आइडियाज की टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे किसी को कुछ कोई प्रोडक्ट बनाए, वो क्या करता है फेस्ट के अंदर ले जाकर रख देता है वहां पे। हाँ जी, कोई आया, किसी को पसंद आया, वाह यार क्या प्रोडक्ट बनाया, वो उससे उसकी जो डिटेल ले लेते हैं। हाँ जी, आपको पसंद है, जी जी आपकी डिटेल बता दीजिए। और ये हो चुका है स्टार्टअप की शुरुआत यहीं से, और बच्चे जो है स्टार्टअप पे अपने काम करने लगते हैं। हाँ जी, सेकंड ईयर के अंदर भी बच्चे काम करने लगते हैं। आपको एक्टर बनना है, आपको कॉमेडियन बनना है, आपके लिए यहाँ पे थिएटर मिल जाएगा। हाँ जी, आपको यहाँ पे थिएटर मिल जाएगा। आपको बॉडी बनानी है, आपको जिम मिल जाएगा। आपको गाना गाना है, सिंगिंग के लिए आपको मौका मिल जाएगा। वैसे ये दिल्ली है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको बाहर भी देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, आपको अगर नेता बनना है, हाँ जी नेता, आपको लड़ाई झगड़ा करना है, कोई बात नहीं, आपको वहां पे पूरा ऑप्शन मिलता है। ओके, हाँ जी, ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का कल्चर। आपको सपोर्ट काफी ज्यादा मिलता है, फैसिलिटीज तो क्या ही बताऊं मैं आपको इसका। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ऐसा प्रोग्राम जिसके लिए सबसे पहले तो मैं इनको थैंक यू करना चाहूंगा एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, वो है इनका डिस्टेंस एजुकेशन, जिसने इंडिया के अंदर बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ला दिया। क्या होता है ना यार, बहुत सारे बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो पाता है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, टाइम नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे होते हैं या फिर उनके नंबर भी कम आए होते हैं। तो डीयू ने क्या किया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रिलीज किया, जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, उनकी जो एग्जाम होती है वो ऑफलाइन मोड के अंदर सेंटर्स पे कंडक्ट की जाती है। हाँ जी भैया, ये भी ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, जो अदर बच्चे नल्ले बेरोजगार, जो भिकमंगे कॉलेजों वाले बच्चे क्या करते हैं, वो 9 से 5 कॉलेज में जाके बात कर रहे होते हैं अपने, ये बच्चे क्या करते हैं, ये ऑनलाइन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ये अपनी स्किल सीखते हैं, ये सीखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे कोर्सेज भी कर सकते हैं और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ पा सकते हैं। या फिर सबसे पहले मैं थोड़ा अपने कोर्स का एडवर्टाइजमेंट कर देता हूं। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, मशीन लर्निंग, क्या होने वाला है ना, जैसे चैट जीपीटी आया, ये क्या करता है, ये सारी की सारी आपकी जॉब्स खा जाएगा। फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। आपको जो है 5 साल बाद के हिसाब से चलना चाहिए कि आने वाले 5 साल में क्या होने वाला, उसके हिसाब से आपको कोर्स करना चाहिए। मैं कौन सा कोर्स करूं, बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है। हाँ जी, मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, मैं कोडिंग में जाऊं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं, क्या करूं, मैं करूं क्या, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता, वो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत सारे बाबा जी बैठे हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं, उनको खुद का भविष्य का सलीका नहीं है। इसलिए आप हमारे जो है एक्सपर्ट टीम मेंबर्स, जो कि आईआईटी, एनआईटी, इंडिया के टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट आईसर, नाइसर जैसे बहुत सारे आईआईएम से, जो कि आपको गाइड करते हैं कि आखिरकार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर, आने वाले 10 साल के अंदर भी उस जॉब को रिप्लेस ना कर सके कोई, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर से जाए, आप पर्सनली मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, अब अपन वापिस बढ़ते हैं आगे इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म था ना, उसने एकदम उछाल ही ला दिया बच्चों को। बच्चे क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपने स्टार्टअप लॉन्च कर दिए, सीख चुक करके डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, शार्क टैंक के अंदर आ रहे हैं। अभी स्टार्टअप का काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है, लोग नए नए स्टार्टअप के काम कर रहे हैं, शार्क टैंक जैसे शो के अंदर आ रहे हैं। हाँ जी, पढ़ाई उनकी चल रही है एकदम बढ़िया मस्त एकदम राइट, तो आप भी कर सकते हो ऐसा कुछ। अब फिर एक उसने क्या किया, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चलता था,
कैंपस बहुत कम था। हाँ जी कैंपस बहुत कम था, पैसा वगैरह होता नहीं था, बिल्डिंग छोटी छोटी थी, बच्चे बहुत ज्यादा थे। यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया 19 सेंचुरी में कि यार ऐसा तो काम नहीं बनने वाला, हम क्या करते हैं, दो सेशन में चलाते हैं। इससे पहले कोई नहीं कर रहा था, डीयू ने ऐसा सोचा कि दो सेशन में चलाते हैं, आधे बच्चों को पहले पढ़ा देंगे सुबह वाले सेशन में, आधे वाले बच्चों को शाम वाले सेशन में, दोनों में पढ़ा देंगे। हाँ जी हाँ जी, इसको रखा गया मॉर्निंग फेज और इवनिंग फेज। इसमें क्या किया, जो लोग जॉब कर रहे थे को भी फायदा हो गया, वो क्या करते हैं 9 to 3 जॉब करते हैं, और जो शाम वाला जो सेशन होता है उसके अंदर पढ़ाई भी कर लेते हैं। दिल्ली वाला एरिया भी है, वहां पे जॉब भी आसानी से मिल जाती है। तो दो इवनिंग में चला दिए, एक मॉर्निंग फेज हो गया, एक इवनिंग फेज हो गया। बच्चों की क्लासेस सुबह भी लग रही है, सुबह बच्चे पढ़ के शाम को जॉब कर रहे हैं, शाम को लोग पढ़ के सुबह जॉब कर रहे हैं, और ये एक रिवॉल्यूशन ला दिया। दो दो फेजेज के अंदर कॉलेज चल रहे हैं। वैसे डीयू जैसा ब्रांड बनाना वैसे मुश्किल काम लगता है मेरे को। इंडिया के अंदर वैसे ऐसे काम बहुत ही कम कॉलेजेस कर रहे हैं, और जो लल्लू लाल कॉलेजेस है जिनकी डिग्रियां बहुत सारों की बेकार पड़ी है, इसलिए आप बहुत सारे कॉलेजों के चक्रों में ना फंसे, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर जाए। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पढ़ाई कराई है बच्चों को, अब तो नौकरी तो देनी पड़ेगी। अगर पढ़ा रहा है कोई तो नौकरी तो देना ही पड़ेगा। 4 साल 5 साल बच्चे यहाँ पे जी रहे अपनी जिंदगी, आखिरकार उनको जॉब तो मिलनी ही चाहिए। तो जॉब के अंदर क्या किया, ये जो बच्चे आ रहे थे सभी को पता है टॉप टैलेंटेड बच्चे थे। यहाँ के जो बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट है, लेकिन इनके जो प्रोफेसर है वो सुपर इंटेलिजेंट है। हाँ जी सुपर इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती वो ऑब्जर्व कर रही होती है। हाँ जी डीयू ऐसा कर रहा है, डीयू ऐसा कर रहा है, डीयू ऐसा कर रहा है, क्या करती है वो आ जाती है। हाँ जी भैया डीयू, हाँ हमारे इतने कैंपस है, हाँ जी तुम्हारे 70 कैंपस है, तुम्हारे 100 कैंपस है, कोई बात नहीं हम तुम्हारे बच्चों को जो है ट्रेंड कर देते हैं। हाँ जी हम तुम्हारे बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं, वो आते हैं उनको ट्रेंड करते हैं। हाँ जी भैया तुम चलो TCS, तुम चलो महिंद्रा, तुम चलो अमेजोन, तुम चलो गूगल, तुमको हम ट्रेंड करेंगे। उनको सिखाते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट कि इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, ट्रेंडिंग कैसे होती है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। वो सारी कंपनियां इंटर्नशिप इनको प्रोवाइड करती है, तुमको पैसा भी देंगे, तुम सीट भी लो, उनको सिखा भी देते हैं, बच्चे फिर से कैंपस में आते हैं, फिर आती कंपनियां, हाँ जी तुम मेरे को करके दिखा, बच्चे सीख के आते हैं वो करके दिखाते हैं, और बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। ये सारा प्रोसेस रहते हैं डीयू यूनिवर्सिटी का। वैसे डीयू यूनिवर्सिटी की अगर बात करूं, इसका एक बहुत मेजर जो बेनिफिट मिलता है उसको, वो दिल्ली का मिल जाता है। दिल्ली में क्या होता है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज इनको मिल जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया है, एनवायरमेंट काफी अच्छा है, फोग बहुत ज्यादा मिल रहा है इनको, हाँ जी धुआं काफी ज्यादा मिल रहा है, कूड़ा करकट काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वैसे अरविंद केजरीवाल साफ तो करने की बात कर रहा है, आपको क्या लगता है? हाँ जी मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता, जी जी नहीं 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 ठीक है। इसका क्या हुआ, मेट्रो का काफी अच्छा इनको मिल जाता है संबंध, मेट्रो जो है बच्चों को आने जाने में समस्या नहीं होती, 75% वाले क्राइटेरिया पे बिल्कुल भी नोक झोंक नहीं है। हाँ जी 75 क्राइटेरिया तो आपको आना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था ना कि बच्चे भाग जाते थे पिछले कुछ जमाने के अंदर, क्लास लगाते नहीं थे, टीचर्स को पेरेंट्स बोलते हाँ जी नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, यूनिवर्सिटी वालों ने सोचा नंबर नहीं आ रहे, बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, हाँ जी कभी कोई कहीं भाग जाता है, कभी कोई जम्मू चला जा रहा है, कभी कोई शिमला चला जा रहा है, इनको ऐसा करो इनको 75% अटेंडेंस पे डालो जी, 75% अटेंडेंस रहेगा बच्चे अपने आप आएंगे। तो ऐसा ही सारा प्रोसेस चलता है ये 75 वाला, ठीक है। आपको भी अगर अपने कोर्सेज के बारे में कुछ पता नहीं है कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को विजुअल आर्ट करना चाहिए, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए, मेरे को मेटावर्स में जाना है, मेरे को कोडिंग करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को इलोन मस्क बनना है, मेरे को क्या बनना है, कैसे बनना है, क्यों बनना है, क्या बन सकता हूं मैं, क्या मैं जो कर रहा हूं उसका फ्यूचर में कोई स्कोप है, और अगर स्कोप है तो कैसा स्कोप है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से एग्जाम्स लगेंगे, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड बोर्ड लाइन पे जो नंबर दिया है वहीं पे आपको मिल सकता है। जरूर से कॉल घुमाओ, हम तैयार बैठे हैं आपके।